अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है उसमें हमारा कोड है 3.2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं पीरियोडिक टेबल की वो क्या हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आती है, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, सबसे पहले जो है हम एक एटम को ले लेते हैं। ठीक है, इसका जो एटम है इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास क्या होते हैं, उसके शेल्स। तो कोई भी एटम है उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूक्लियस होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, शेल्स। जो एटम का जो साइज़ है वो मेजर करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, इसकी तीन रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न क्या है इसकी, ठीक है, इसकी तीन रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न क्या है कि ये जो है ये स्मॉल इन साइज़ होते हैं। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि कट नहीं सकते। ठीक है, आपको एटम का मतलब भी पता है कि एटॉमिक, ठीक है, जो एटम जो है इसका मतलब क्या है, नॉट कट, नॉट डिविजिबल, कि हमारे पास जो जितने भी एटम्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स के होते हैं, इस वजह से उनका जो साइज़ है वो मेजर करना मुश्किल होता है। ठीक है, दूसरा जो है ये फिक्स होते हैं। ठीक है, दूसरा जो है ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, इस वजह से इनका जो है वो साइज़ मेजर करना मुश्किल है। ठीक है, और तीसरी बात जो है, स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से ये फिक्स होते हैं, इस वजह से जो है इनका जो साइज़ है वो क्या होता है, वो मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनके जो ज़्यादा छोटे होने की वजह से इनका साइज़ जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से ही जो है हम अपने इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो होता है ये उसका न्यूक्लियस होता है। फर्स्ट करें हमारे पास, मैं कहती हूँ कि ये जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं या इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो इसी इधर से ही हम इसका जो है एटॉमिक रेडियस जो है वो मालूम करेंगे कि आपके पास ये दो एटम्स हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ हैं, ये इसका न्यूक्लियस है और ये उसका न्यूक्लियस है। अगर इन दोनों रेडाई का, यानी कि इन दोनों के जो एटॉमिक जो रेडियस है दोनों का, अगर हम इसका हाफ ले लें तो ये हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक साइज़ आ जाएगा इसका। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक साइज़, यानी कि दो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियाइज़ का जो फासला है उसका जो हाफ होगा, ये उनके न्यूक्लियाई का डिस्टेंस, ठीक है, इनका जो हाफ होगा ये चीज़, ये हमारे पास क्या होगी, एटॉमिक साइज़, यानी कि ये जो है ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक साइज़ है। इतना क्लियर हो गया कि हमारे पास जो एटॉमिक साइज़ है ये हम इसे मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल होते हैं और दूसरी बात ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, और कोई भी एटम है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूक्लियस और दूसरा शेल। ठीक है, इसी तरह अगर दो एटम्स हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो उनके जो, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनके जो रेडाई का जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ होगा वो हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक साइज़। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि इनका ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में, कि जो एटॉमिक साइज़ है यानी जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है, ये इसका जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में वो क्या है। ठीक है, ट्रेंड क्या है, अगर हम पहले पीरियड की बात देख लें कि पीरियड में, यानी अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो हमारे पास इनका जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं दो एटम्स की। हम ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 में देखें, हमारे पास एक लिथियम है जिसके एटॉमिक नंबर है 3, और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 8। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ शेल्स जो है वो तो सेम है। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ शेल्स है वो क्या है, आपके पास सेम है, लेकिन इनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट हैं। ठीक है, एक बात मैंने बताई थी, पीरियड्स में नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, ठीक है, और ग्रुप में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब ये देखें इसमें भी हमारे पास दो शेल हैं, शेल 1 शेल 2, इसमें भी हमारे पास दो शेल हैं, शेल 1
शेल टू। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास तीन, हमारे पास क्या है, प्रोटोन है। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, थ्री है, ठीक है। और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटोन होते हैं, ठीक है। और प्रोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, यानी कि जो हमारे पास थ्री ही इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तीन प्रोटोन है और तीन ही इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यानी तीन पॉजिटिव हैं और तीन हमारे पास क्या हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तीन पॉजिटिव चार्जेस हैं और तीन ही हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्जेस। इधर देख लें, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, एट। इसमें हमारे पास एट पॉजिटिव हैं और एट ही हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन है, यानी कि एट ही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखें कि इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी या इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। देखें कि ये आपके पास तीन पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी या फिर इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ज़ाहिर सी बात है, जिसमें चार्जेस ज़्यादा होंगे उसमें अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। इस वाले में जो है वो अट्रैक्शन जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि जो ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो ज़्यादा खींचेगा, जबकि जो लिथियम का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को कम खींचेगा ऑक्सीजन के नस्बत, ठीक है। जैसे ही ये उसको खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही खींचेगा, इसका जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसका जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अट्रैक्शन के ज़्यादा होने की वजह से जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और जो साइज़ है श्रिंक होने की वजह से उनका जो ट्रेंड है वो क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर जितना कम होगा उतना साइज़ ज़्यादा होगा, एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना साइज़ क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर हम इसको ग्रुप में देख लें, ग्रुप में जो ट्रेंड है वो क्या होता है कि ये इंक्रीज़ होता है, ग्रुप में इंक्रीज़ करते हैं, एक जो इनका एटॉमिक साइज़ है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। क्यों इंक्रीज़ करता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ शेल्स के इंक्रीज़ करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें जो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स सेम रहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स यानी जो प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, और साथ ही जो इसकी अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। के पीरियड्स में क्या होता है, क्यों डिक्रीज़ होता है साइज़, एटॉमिक साइज़ क्यों डिक्रीज़ होता है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो तो सेम रहेंगे, ठीक है ना, चूँकि वो एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। उनका जो प्रोटॉन नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्यों इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि उनका जो एटॉमिक नंबर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। प्रोटॉन नंबर के इंक्रीज़ होने से जो अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जैसे जैसे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी जो साइज़ है उतना ही श्रिंक होगा, इस वजह से लेफ़्ट टू राइट जो है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। जबकि ग्रुप्स जो हैं उसमें क्या होता है कि साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम पीरियड नंबर वन से, सॉरी पीरियड नंबर टू से हम लिथियम के एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, थ्री है, यानी कि इसमें हमारे पास दो शेल बनेंगे। और कोई भी एलिमेंट जो हम ग्रुप नंबर फोर में से ले लेते हैं, उसमें हमारे पास क्या होंगे, फोर शेल्स बनेंगे, ठीक है। उसमें हमारे पास फोर शेल्स बनेंगे, ठीक है। शेल्स इंक्रीज़ हो गए हैं, अट्रैक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक पे जो एलिमेंट्स हैं या यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ तक कि इसके अट्रैक्शन जो है वो कम होगी। कम अट्रैक्शन की वजह से साइज़ श्रिंक नहीं होगा, ठीक है, साइज़ श्रिंक नहीं होगा, बल्कि साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ़ शेल्स के इंक्रीज़ करने से साइज़ भी क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है। और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के इंक्रीज़ होने से साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पीरियड्स में ज़्यादा हो जाती है और ग्रुप में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जी ये था जी हमारा आज का टॉपिक।